हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ बैंगन के भरते की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो हम इस भरते को दो तरीकों से बना सकते हैं, एक उसे रोस्ट करके और दूसरा उसे प्रेशर कुकर के। बट मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी रोस्ट किया हुआ बैंगन का भरता, क्योंकि रोस्ट करने से इसमें बहुत ही अच्छा रोस्टेड टेस्ट आता है जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो के बाद अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। So, let's start. हमें चाहिए बैंगन, हरा धनिया, जीरा, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, हरे मटर, नमक, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और तेल। सबसे पहले आप ये सारे बैंगन को अच्छे से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद आप इनमें हाफ कट्स लगा दें। ये कट्स दो वजह से इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, हम चेक कर सकते हैं जो बैंगन है वो अंदर से साफ या क्लीन है या उनमें कीड़ा लगा हुआ है। और दूसरा, कई बार भूनते वक्त जो बैंगन है वो ब्लास्ट हो जाते हैं, जिस वजह से इनमें कट्स लगाने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कट्स लगाने के बाद अब आप अपनी फ्लेम को ऑन करें और बिल्कुल लो फ्लेम पे आप ये सारे बैंगन अच्छे से भून लें, पलटते पलटते चारों तरफ से, जब तक कि जो उनकी स्किन है वो ब्लैक हो जाए। सो भूनते वक्त आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंगन की जो स्किन है वो ब्लैक हो चुकी है और काफ़ी हार्ड भी हो चुकी है। इसी तरीके से आप सारे बैंगन अच्छे से रोस्ट कर लें। अब ये कैसे पता लगाएं कि ये रोस्ट हुए हैं या नहीं? इनकी जो स्किन है रोस्ट होने के बाद बहुत आसानी से निकल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर नहीं निकल रही है तो आप उन्हें और थोड़ी देर के लिए अच्छे से रोस्ट कर लें। स्किन निकालने के बाद आप देख सकते हैं कितने टेंडर और जूसी लग रहे हैं। अब हम इनकी जो स्टेम है उसे अलग करेंगे और इन बैंगन को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। रोस्ट करने की वजह से ये बहुत अच्छे से अंदर से सॉफ्ट हो चुके हैं और पक चुके हैं, इसलिए इन्हें मैश करना बहुत ही आसान होगा। सो आप ये सारे बैंगन की स्टेम को निकाल के मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लें। इनमें छोटे छोटे पीसेस भी ना रहें, इतने अच्छे से आप इन्हें मैश। सो आप देख सकते हैं जो बैंगन है वो कितने अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब तड़का लगाने के लिए आप पैन में डालें 2 चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गरम कर लें। तेल गरम होने के बाद अब आप इसमें डाल दें जीरा और उसके साथ साथ चॉप किया हुआ लहसुन और चॉप की हुई हरी मिर्च। लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए तब तक आप इसे अच्छे से कुक कर लें मीडियम फ्लेम पे। कुक करने के बाद अब आप इसमें डाल दें प्याज। भरते में आप जितना ज़्यादा प्याज डालेंगे उतना टेस्टी बनेगा। फिर आप उसमें डाल दें मटर। मैं यहाँ पे एकदम ताज़े मटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि प्याज के साथ अच्छे से पक जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। सो आप इन्हें अच्छे से भून लें। दोनों चीज़ें अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब आप इसमें डाल दें हल्दी और उसके साथ साथ गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इन सारे मसालों को आप एकदम लो फ्लेम पे अच्छे से पका लें। फिर आप इसमें डाल दें टमाटर। टमाटर को आप अच्छे से सॉफ्ट होने तक कुक कर लें। टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं, आप चाहें तो इन्हें हल्का सा मैश भी कर सकते हैं। और फिर आप इसमें डाल दें मैश किया हुआ भरता
और इसके ऊपर से आप डाल दें सॉल्ट टू टेस्ट। अब आप सारे मसालों के साथ अपने भरते को अच्छे से मिक्स कर लें और आप देख सकते हैं मिक्स करते वक्त ही ऑलरेडी कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप इसे 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लें। 4-5 मिनट के बाद जो भरता है वो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। अब आप अपनी फ्लेम को ऑफ कर दें और एंड में आप इसमें डाल दें हरा धनिया। जो आपका बैंगन का भरता है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। आप इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से आप भी इस बैंगन के भरते को ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आप ऐसी ही रोज़ एक नई रेसिपी सीख सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी कल एक और नई ऐसी ही टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।